जब मैं छोटा था ना, मेरा काम था मेरा दो छोटे बहन का ख्याल रखना। दोस्तों, ये 2022 की एक फॉरेन मूवी का सॉन्ग था और इसमें नेपाल की एक ट्रांसजेंडर मॉडल फीचर हुई थी। ये मूवी थी टेल इट लाइक अ वुमन और आज इस मूवी के उसी सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये फर्स्ट नेपाली ट्रांसजेंडर मॉडल है अंजलि लामा, जो कि बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी हैं। समाज में वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आज एक इंस्पिरेशन है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। मैं एक ट्रांसजेंडर थी, एक एजेंसी ने तो ऐसा भी कहा था कि मुझे तुम जैसे ट्रांसजेंडर लोग को मुझे मॉडल हुए दिखा ही नहीं, बेटर तुम मॉडलिंग ट्राई मत करो। दो बार नहीं हुआ, नेपाल चले गए और तीसरी बार में आके सेलेक्ट हुआ और आज यहाँ हूँ। ये मूवी थी टेल इट लाइक अ वुमन और आज इस मूवी के उसी सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये फर्स्ट नेपाली ट्रांसजेंडर मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी हैं। समाज में वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आज एक इंस्पिरेशन है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है और साथ ही साथ आज उनका सॉन्ग ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसके लिए एक नेपाली ट्रांसजेंडर मॉडल का सॉन्ग सेलेक्ट होना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। साथ ही आपको बता दें कि सॉन्ग में जैकलिन फर्नांडिस ने भी काम किया था, जो कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं। दोस्तों, अंजलि लामा ने अपने मॉडलिंग करियर शुरू किया था नेपाल से और उसके बाद वो न्यूयॉर्क फैशन वीक में दिखी थी रिसेंटली। उन्होंने फिल्म में काम किया, फैशन मुंबई में काम किया, साथ साथ टेल इट लाइक वुमेन जो कि एक अमेरिकन इटालियन फिल्म थी उसमें काम किया, जो कि दुनिया भर में शूट हुई थी। और आज उन सभी लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं उनको ऑस्कर के नॉमिनेशन तक लेके गई। तो अपनी बेस्ट विशेस लिख के अंजलि लामा के लिए जरूर भेजिएगा। तो सपोर्ट करिए पहले नेपाली ट्रांसजेंडर वुमेन अंजलि लामा को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ साथ इसको लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। NI News।